हेलो 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 हाँ जी हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में प्यारे बच्चों नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और ऐसे के साथ आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी तो स्वागत 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 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की कहानी और आज की जो कहानी है आप फिजिक्स की कॉपी में लिख रहे होंगे और जो फिजिक्स की कॉपी आप लोगों ने बनाई है मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में सब कुछ बता दिया था आज हम लोग डायरेक्ट अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे है ना जो आपकी क्लासरूम कॉपी है आप उस क्लासरूम कॉपी के अंदर कंटेंट लिखेंगे मेरा फोकस हर हर बैच बैच के के ऊपर ऊपर होता है और हर के मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करते हुए चलता हूँ तो इसीलिए किसी और बैच के बारे में जानकारी अपन क्लास के अंदर नहीं देंगे क्योंकि तो मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं तो सभी बैचेस की जानकारी अलग अलग बैचेस में दी जाती है तो यहाँ किसी भी और बैच के बारे में बात नहीं करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या सो दैट वी कैन स्टार्ट बेटा टूडेज वा सेशन शुरू करें चलिए स्टार्ट करें तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और किसी बच्चे ने अगर अभी तक भी क्लास ज्वाइन नहीं की है बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस जिस बैच का हिस्सा होने वाली हैं, उस बैच का नाम है आशा 2025, टारगेट आशा 2025, ये इस बैच का हिस्सा जो है ये हमारी कक्षाएं होने वाली हैं। हम टारगेट करने वाले हैं आशा 2025 जो हमारा बैच है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें टारगेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंसियर के साथ में आपको ये बैच में पढ़ना पड़ेगा ये बहुत सीरियस बैच है इस बैच का कंटेंट बहुत सीरियस होगा इस बैच के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया लग, पढ़ाया जाएगा वो बहुत सीरियस कंटेंट है मैं आपको तीन बार सीरियस वर्ड यूज कर चुका हूं इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही इस बैच के साथ में नहीं चल पाएगी अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ सकता है ठीक है कमेंट सेक्शन में भी सतर्क रहे क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर ही चाहता हूँ कि बहुत सीरियस बच्चे जो हैं जेई नीट को लेकर के वो इस चैनल पर आकर के अपनी पढ़ाई करें अच्छे से है ना चलो शुरू करते हैं बच्चों और हमारा परिवार इस चैनल का भी साठ हजार का हो चुका है मतलब इतने बच्चे हो चुके हैं ए के ऊपर जो सीरियस हैं जेई नीट को लेकर के ये देख करके बहुत अच्छा लगता है चलिए तो आशा दो में आपकी जेई और नीट की तैयारी कराई जाएगी है ना जेई और नीट की तैयारी कराई जाएगी साथ में हम आपको बोर्ड्स का कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और बोर्ड के लिए बोर्ड 2025 के लिए मैं आपको तैयार करेंगे इस प्रकार से कि बोर्ड में आप हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड का स्कोर जो है वो लेकर के आ सकें बोर्ड में आप हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड का स्कोर जो है वो लेकर के आ सकें और साथ में ये जो जेई नीट की परीक्षा है इसको भी आप फोड़ सकें और इसके अंदर भी अपना सिलेक्शन निकाल सकें मैं अभी फिलहाल इस लेक्चर को एन एल एम से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आशा फास्टेक के बच्चे भी यहाँ पे हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो इसलिए अभी हमारा जो पेस चल रहा है उसको हम खराब नहीं कर रहे हैं अभी हम एन एल एम से शुरुआत कर रहे हैं बाकी जैसे जैसे मैं गाइड करता जाऊँगा मेरी गाइडेंस के अंदर आप इस यात्रा को बहुत एंजॉय करने वाले हो तो अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाओगे एन एल एम क्या है बेटा ध्यान से सुनना अभी मैंने फुल फॉर्म लिखवाई है चैप्टर की पर आज के बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म ही चलेगी एन एल एम इसका मतलब होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो आज से हम बेसिकली जिस चीज को शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ठीक है हम किसको शुरू करने वाले हैं बेटा हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को तो बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं अब शुरू करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक आप एक बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में नहीं बनाते हैं तब तक आपका जीवन बेकार है ना जब आप लक्ष्य बना लेते हैं तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है बिना मेहनत के कुछ नहीं होता मेहनत करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है बहुत भयंकर जुनून की जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा आप मेहनत नहीं कर पाओगे और जुनून जो है वो आता है बेटा जिद से इसलिए मैं हर बच्चे को कहता हूं कि अपना जो स्लोगन है उसको बहुत अच्छे से याद रखें अपना स्लोगन हैश टैग कर तो सभी बच्चे जितने आप पे लाइव हैं कमेंट सेक्शन में और कोई भी बात नहीं लिखेंगे केवल एक बात आनी चाहिए कमेंट सेक्शन में और वो हैश टैग जिद कर सभी बच्चे कॉमेंट सेक्शन में केवल एक बात लिखेंगे हैश जिद कर जल्दी से हैश जिद कर इन द कामेंट सेक्शन चलिए शुरू करते हैं और बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली होगी आप लोगों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया होगा और आपके बैच का भी पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जैसे आशा 2025 के जो बच्चे हैं उनका पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है दो वाले बच्चे इसके साथ कंटिन्यू करेंगे मैं आशा फास्ट ट्रैक को और इसको सिंग करता हुआ चलूंगा हाँ डेफिनेटली जो दो वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी तो मेरे ऊपर छोड़ दो मस्त रहो ठीक है राहुल पढ़ाई करो बेटा इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ओके चलो बाकी अब मैं कोई कमेंट्स नहीं लूंगा अब तो हम सीरियस कंटेंट जो है उसको पढ़ने के लिए यहां पे आए हुए हैं तो ये हो गया दूसरा अपना व्हाट्स इंस्टाग्राम भी है और अपना व्हाट्सएप चैनल भी मैं मोटे मोटे तौर पर यह कहूंगा कि आप एक तो टेलीग्राम को हंड्रेड ज्वाइन कर लें और एप्लीकेशन को हंड्रेड जो है इंस्टॉल कर लें चलिए और बाकी फिर भी कोई दिक्कत आती है कभी भी तो क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में आपको बता रहा हूँ कि आपके मंडे से लेकर के मंडे से लेकर के सैटरडे तक हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है बेटा ए टीम और यहाँ पे आपको सुबह दस बजे से लेकर के रात को नौ बजे तक कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है ऊपर के तीन नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉल करें सुबह दस से नौ के बीच में आपका फोन उठाया जाएगा और कोई भी डाउट आपको आएगा तो उसको बेटा सॉल्व कराया जाएगा राहुल मैं ऑलरेडी आपको जवाब दे चुका हूँ उस बैच को लेकर के है ना चलिए 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 ठीक है ठीक है ओके okay. बढ़े आगे चलिए साहब दूसरी बात अगर आप संडे को कॉल करने का प्लान कर रहे हैं तो संडे को भी कॉल कर सकते हैं पर संडे को कॉलिंग सुविधा दस बजे से लेकर शाम को केवल छह बजे तक ही रहती है तो ये मैंने कॉलिंग आर्स आपको बता दिए बाकी ये तीन नंबर हैं इन तीन नंबर में आप किसी भी नंबर पर फोन कर सकते हैं और आपको जो है जवाब दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा कोई भी समस्या आती है कोर्स संबंधित तो आपको जानकारी दी जाएगी ठीक है शुरू करें अब तो बस तो अब कोई सवाल नहीं जवाब नहीं अब सीधा अपन अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेरा एक सवाल है बेटा आपसे जो बच्चा जवाब देगा वो सिकंदर है मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैसे तो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़े हैं टेंथ में पढ़े हैं बहुत जगह आपने इनके बारे में पढ़ा है आपको क्या लगता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एन एल एम के नाम से भी जानते हैं ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्यों बनाए गए थे क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है कि ऐसे तो आपको पता है ये फर्स्ट लॉ है सेकेंड लॉ है थर्ड लॉ है तीन इसके अंदर अलग अलग लॉ है पर मेरा सवाल आपसे यह है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आखिर बनाए ही क्यों गए थे क्या कारण था इनको बनाने का है ना क्या कारण था इनको बनाने का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बनाने का कारण क्या था एक बात और बता दू मैं आपको अभी आपके बैच की शुरुआत हुई है आपकी क्लासेस जो है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक रह सकता है क्योंकि अभी रफ्तार बैच चल रहा है रफ्तार बहुत सीरियस बैच है जो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए चलता है आपकी क्लासेस का फुल पेस जो है वो फरवरी से आएगा और मैं मोर ओवर कहूँ तो फरवरी एंड से आएगा ठीक है मार्च आपके लिए बहुत इंटेंस होने वाला है क्योंकि मार्च के अंदर आप पूरी तरह से फ्री होंगे जेई की तैयारी करने के लिए और अप्रैल का अटेम्प्ट भी आता है जई का तो मार्च काफी इंटेंस होने वाला है अभी हम थोड़ा धीरे 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 आगे चलेंगे अब लास्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया अब सीधा अपन टॉपिक पे आ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मोशन को समझाने से ज्यादा लोगों को लगता है मोशन को समझाता है नहीं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ना सबसे ज्यादा जिस चीज की क्लैरिटी देता है वो है बेटा फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की क्लैरिटी देता है तो वो है फोर्स की क्लैरिटी देता है ये आपको बल की शक्तियों के बारे में बताने के लिए है चाहे न्यूटन का प्रथम नियम हो चाहे न्यूटन का द्वितीय नियम हो चाहे न्यूटन का तृतीय नियम हो इन सब का यूज क्या है ये मोटे मोटे तौर पे आपको क्या बताते हैं ये मोटे मोटे तौर पे आपको बल के बारे में ही बताते हैं ये बल को बताने वाला फोर्स है ये बल को बताने वाले नियम है सबसे ज्यादा जानकारी सबसे ज्यादा जानकारी जो है वो हमें बल की ही मिलती है इन सबसे क्लियर तो चलो फिर उम्मीद करता हूँ आपके नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी होंगे आपको लेके बैठे होंगे तो चलो लिखना शुरू करो सबसे पहली बात न्यूटन के गति के तीनों नियम न्यूटन के गति के तीनों नियम न्यूटन की गति के, के तीनों नियम न्यूटन की गति के, के तीनों नियम फोर्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए काम आते हैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि न्यूटन की गति के एप्पल वेपल न्यूटन न्यूटन छोड़ो वो न्यूटन की गति के, के तीनों नियम न्यूटन की गति के तीनों नियम फोर्स के कंसेप्ट को समझने में काम आते हैं मतलब तीनों नियम को जो जान जाता है मोटे मोटे तौर पे वो सब कुछ जान जाता है फोर्स के बारे में ये चीज है दूसरी बात यांत्रिकी मैकेनिक्स की तो शुरुआत यहीं से होती है इसी चैप्टर से शुरुआत होती है स्टार्ट करें बल क्या चीज है बल के बारे में जानना शुरू करते हैं बल वह कारक है बल वह कारक है जो किसी वस्तु की जो किसी वस्तु वस्तु की गति की अवस्था को वस्तु की गति की अवस्था को बदलने या बदलने का प्रयास बदलने का प्रयास करने की क्षमता रखता है बदलने का प्रयास बदलने का प्रयास करने की क्षमता रखता है अब एक तगड़ी बात बताऊं मैं आपको मतलब अगर आपको किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को बदलना है आपको किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को बदलना है तो आपको जिस कारक की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों उस कारक का नाम है बल आराम आराम से समझाऊंगा सब कुछ मतलब बल क्या कर सकता है बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन या तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश कर सकता है सर कहना क्या चाहते हो बताते हैं जैसे अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा हो अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि सर हमारे पास एक वस्तु है हमारे पास एक वस्तु है जो रुकी हुई है समझना हमारे मन में एक सवाल है सर कि हमारे पास एक वस्तु है और हमारी जो वस्तु है सर वो रुकी हुई है ये ब्लॉक रुका हुआ है ये रुका हुआ है तो इसकी गति की अवस्था कैसी है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये तो रुका हुआ है रुका हुआ है मतलब सर ये विराम अवस्था में है तो इसकी गति की अवस्था कैसी है प्यारे बच्चों इसकी गति की अवस्था ऐसी है कि ये विराम अवस्था में है अब मेरा कहना यह है कि ये विराम अवस्था में तो है पर इसको चलाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी क्या जवाब होगा आपका बल इस सर इसको अगर चलाना है इसको अगर चलाना है तो हमें बल की आवश्यकता होगी मेरा सवाल आपसे यह है मेरा सवाल आपसे यह है कि यार ये जो वस्तु है ना एक वस्तु है जो चल रही है पहले से चल रही है ठीक है एक वस्तु है जो पहले से चल रही है एक वस्तु है जो पहले से चल रही है मान लेते हैं बहुत भयंकर स्पीड से आगे बढ़ रही है मेरा कहना यह है कि यार इस चलती हुई वस्तु को रोकना है तो इस चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए मतलब गतिशील वस्तु को रोकने के लिए गतिशील वस्तु को रोकने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी बल की आवश्यकता होगी तो रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए भी रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए भी बल की आवश्यकता है और चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता है ठीक है ओके अब मस्त मजे की बात क्या है मान लो एक वस्तु चल रही है एक रोड है या ऐसा मान लो ऐसा कुछ है एक वस्तु आपकी चल रही है आपकी वस्तु इस दिशा में चल रही है ठीक है इस दिशा में चल रही है आप यह चाहते हो कि आप वस्तु की चलने की दिशा को बदल दो आप चाहते हो कि वस्तु यहां से चलती चलती यहां चली जाए तो क्या अपने आप चली जाएगी नहीं उसके लिए भी क्या लगाना पड़ेगा बल लगाना पड़ेगा मतलब बल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बल एक वस्तु की बल एक वस्तु के ऊपर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है एक बात का ध्यान रखना गति की अवस्था को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है पर गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है कुछ लोगों को गलत हो जाती है और आपको अब मैं हल्का हल्का न्यूटन के गति के प्रथम नियम की तरफ लेके जा रहा हूं पर उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता था कि बल की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या है क्या सबको समझ में आ गई है सर बल के प्रकार के बारे में आपका क्या, क्या कहना है तो देखो बेटा इस दुनिया में जितने भी बल है ना वो तो मोटे मोटे कुछ प्रकार में बांटे जा सकते हैं जैसे विद्युत चुंबकीय बल ये बल का पहला प्रकार आप कह सकते हो विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल।, बल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एक बात बताओ जैसे मान लो मैं अपने इस हाथ से इस बोर्ड को टच करता हूँ ऐसे ये लो तो अगर मैं अपने हाथ से इस बोर्ड को टच करता हूँ तो मेरे हाथ और बोर्ड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में किस प्रकार का बल काम कर रहा होगा सोचो मेरे पास भी परमाणु है इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है उसके पास भी परमाणु है इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है तो मोटे मोटे तौर पे इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा प्रतिकर्षण लग रहा होगा जो कुछ भी है पर अगर अपन कण के लेवल पे आके सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि अधिकतर बल जो है वो किससे निकलता है विद्युत चुंबकीय बल से निकलता है आपने घर्षण का नाम सुना है घर्षण <laughs> भी एक विद्युत चुंबकीय बल की कैटेगरी में आता है आपने तनाव टेंशन का नाम सुना है उसको भी अपन विद्युत चुंबकीय बल की कैटेगरी में डालते हैं मतलब बहुत सारे बल जो हमें हमारे आसपास के जीवन में देखने को मिलते हैं जैसे आपने तनाव सुना होगा डोरी में तनाव हो गया आपका घर्षण बल हो गया एक आता है सामान्य प्रतिक्रिया बल है ना सामान्य प्रतिक्रिया बल ये आपने सुने होंगे ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय बलों की कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में फंडामेंटल फोर्सेस चार ही होती हैं और उन चार के अंदर ही बाकी सारे फोर्सेस निकल के आते हैं उनमें से एक कौन है आपकी विद्युत चुंबकीय बल है दूसरा आपने अगर सुना हो तो गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना है आपने दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बल है गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल ग्रेविटेशनल फोर्स नाम सुना है ग्रेविटेशनल फोर्स तो दूसरा फंडामेंटल फोर्स ये है बेटा जो हमें आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है फोर्स फोर पॉइंट वाले पढ़ लो ना क्या दिक्कत है अभी इलेवेंथ में हमने सबका लेवल सेम रखा है बताओ हाँ आपको बस डी पी वगैरह नहीं मिलेगी थोड़े टाइम में आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा कि जेईई नीट का कंटेंट बहुत ज्यादा थ्योरी वाला होता है क्वेश्चंस वाला होता है बेटा क्वेश्चंस वाला होता है बोलो नोट करते हुए चल रहे हो डन तो दूसरा हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल तीसरा फंडामेंटल फोर्स है दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसके बारे में आगे जीवन में आप कभी पढ़ोगे वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा बल है बेटा प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्लियर ये चार प्रकार की इनको अपन पता है क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं अपन फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इनके बारे में ध्यान रखना ये चार फंडामेंटल फोर्स है जो आपके नेचर में पाए जाते हैं मैं आपको एक चीज और बताऊं क्या मजेदार वास्तव में बेटा आपको अपनी दुनिया में जो बल दिखाई देते हैं ना वो ये केवल दो ही होते हैं और फंडामेंटल को बोलते हैं मूलभूत बल तो हिंदी में कहते हैं इनको मूलभूत बल आपको अपनी लाइफ में जो बल देखने को मिलते हैं वो दो ही प्रकार के आपको मोटे मोटे देखने को मिलते हैं एक तो विद्युत चुंबकीय बल और दूसरा आपको देखने को मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल कार जमीन पर चल रही है गुरुत्वाकर्षण बल से हो बात को मैं अगर बोर्ड को टच कर रहा हूं विद्युत चुंबकीय बल रस्सी में तनाव आ रहा है विद्युत चुंबकीय बल तो कहने का मतलब यही दो ऐसे बल है जो आपको जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बाकी इन दो बलों को आप देख नहीं पाते क्योंकि ये परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर होते हैं और इतना नंगी आंखों से हम परमाणु को नहीं देख सकते उसके अंदर नाभिक को क्या देखेंगे है ना तो इसीलिए ये दो, दो बल है ये आपको लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है तो डन तो अगर अपन से कोई पूछ ले जीवन में कभी भी कि चार मूलभूत बल कौन से हैं तो सभी ए को बताना चाहिए कि चार मूलभूत बल हमारे कौन से हैं ठीक है आगे बढ़े यहां तक कोई दिक्कत नहीं चलो अब मैं आपसे पूछूं कि बल क्या क्या कर सकता है उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं यहां पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा मुझे बस उसका जवाब दे देना मैं एक वस्तु के ऊपर दो प्रकार के बल लगा रहा हूं यहां मैंने इसके ऊपर बल लगाया पांच न्यूटन और यहां मैंने इसके ऊपर बल लगाया पांच न्यूटन मैंने इस वस्तु के ऊपर यहां एक बल लगाया दस न्यूटन और यहां मैंने इसके ऊपर एक बल लगाया आठ न्यूटन मेरा आपसे कुछ पूछना है मेरा आपसे पूछना यह है कि ऊपर वाली वस्तु के ऊपर नेट बल कितना लग रहा है थोड़ा सा देख लेता हूं आपको हल्का फुल्का वैक्टर का आइडिया है या नहीं है और नीचे वाली वस्तु पर नेट बल कितना लग रहा है और एक बात ध्यान रखना नेट बल को अपन अपनी सामान्य भाषा में परिणामी बल के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं बेटा परिणामी बल के नाम से भी जानते हैं तो मेरा सवाल यहां पे यह है कि यहां पे परिणामी बल मुझे बताओ कितना लग रहा है ऊपर वाले में और नीचे वाले में सर ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया पांच न्यूटन इधर से लग रहा है पांच न्यूटन इधर से लग रहा है सर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जीरो हो जाएगा सर और जीरो ऐसे हुआ सर एक पाँच था सर एक माइनस का पाँच था तो ये ज़ीरो हो गया मैंने इधर वाले को प्लस ले लिया इधर वाले को माइनस ले लिया सर ऐसा मैंने यहाँ पे भी किया इधर वाले को मैंने प्लस का दस ले लिया और उधर वाले को मैंने उधर वाले को मैंने माइनस का एट ले लिया तो दोनों से जो आ रहा है वो आ रहा है टू न्यूटन मतलब इधर अगर दस लग रहा है इधर अगर आठ लग रहा है तो इनका जो एफ नेट है वो आगे की तरफ लगेगा और एफ नेट कितना लगेगा सर दो न्यूटन लगेगा मतलब बल जो है आगे आंसर गुड मतलब बल क्या है बल एक सदिश राशि है तो उसका सदिश योग करना पड़ता है अब अगर किसी वस्तु पर काम की बात सुनो अगर किसी वस्तु पर आप ये देखते हो कि परिणामी बल जीरो आ जाए अगर किसी वस्तु पर परिणामी बल आ जाए जीरो तो हम ऐसे बलों को संतुलित बलों के नाम से जानते हैं हम ऐसे बलों को क्या कहते हैं संतुलित बल कहते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करके जीरो हो जाते हैं और जब एक दूसरे को बैलेंस करके आप जीरो नहीं कर पा रहे हो मतलब आपका परिणामी जो है वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है परिणामी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं और इसको अपन अंग्रेजी में अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं समझ गए तो बहुत मजेदार बात हो गई ये तो मजा ही आ गया जीवन का कि भाई बल भी दो प्रकार के होते हैं ऐसे देखें तो बल फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो चार प्रकार के हैं और अगर, अगर अपन उनके परिणामी के आधार पर देखें तो बल दो प्रकार के और निकल के आ गए संतुलित असंतुलित अगर नेट जीरो हो जाए तो संतुलित नेट जीरो ना हो बेटा तो वो संतुलित खत्म चलो अब बल क्या क्या कर सकता है जरा उस पर अपन छोटी सी वार्ता कर लेते हैं कि बल क्या क्या कर सकता है कि परिणामी बल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है परिणामी बल का परिणामी बल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है इस पर बात कर लेते हैं ठीक है शुरू करें मतलब इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है इस पर बात करते हैं इफेक्ट नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ बहुत मजा आएगा बहुत सवाल कराऊंगा मैं आपको आज भी इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स चलो पूछो एक सवाल बल क्या क्या कर सकता है सोचो बल बहुत सारे काम कर सकता है पहला बल से आप चाहो तो किसी वस्तु की चाल को बदल सकते हो मस्त है मतलब वस्तु की चाल को बदल सकते हैं चाल, है। चाल को बदल सकता है है ना चाल को बदल सकता है और सिर्फ चाल को बदल सकता है ऐसा भी हो सकता है कि बल केवल चार चाल को ही बदल रहा हो सिर्फ चाल को बदल रहा हो ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि चाल को तो ना बदले पर केवल दिशा को बदल दे तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दिशा को बदले सिर्फ दिशा को बदले सर ऐसा संभव है क्या हाँ बिल्कुल संभव है बताऊं कैसे सुनना ध्यान से जैसे अगर कोई कोई भी वस्तु आप लोग अच्छे बच्चे हो पढ़ने वाले बच्चे हो आपको समझा सकता हूं मैं हर तरीके से और आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो और अच्छे समझाऊंगा मैं हर त्री से डेप में जाकर के अगर कोई वस्तु जैसे यहां पे किसी गोले में चक्कर लगा रही है मान लो वो हर बार अपनी चाल को दस मीटर पर सेकेंड रख रही है हर दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मान लेते हैं वो आठ त्रिज्या के गोले में चक्कर लगा रही है तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि भले ही उसकी चाल तो नियत है पर उसकी दिशा हर सेकंड बदल रही है ये वोला एग्जांपल है क्या फील कर पा रहे हो मैं आगे बहुत अच्छे से कनेक्ट करूंगा चीजों को क्या फील कर पा रहे हो फिजिक्स को ऐसा पढ़ाऊंगा कि बहुत कनेक्ट होगी फिजिक्स मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स बहुत कनेक्ट होगी बस आपको समझना है कि सर यहां पर स्पीड तो फिक्स है दिशा हर बार बदली जा रही हालांकि स्पीड भी बदल सकते हैं पर अगर मैं दस मीटर पर सेकेंड फिक्स कर दूं तो भी हर सेकंड देखो ना यहां इस तरफ जाना है यहां इस तरफ जाना जहां भी आप देखोगे हर जगह जो आपके चलने की दिशा होगी वो इस गोले के ऊपर स्पर्श रेखा के बराबर होगी तो यहां हर पल हर सेकेंड हर कदम क्या चीज बदलने की जरूरत पड़ रही है दिशा बदलने की जरूरत पड़ रही है मतलब अब एक पॉइंट नोट कर लो जब भी कोई गोल 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 घूमेगा तो हमें एक बल चाहिए होगा जो बार 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 उसकी दिशा को बदल सके और उसको गोल 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 घुमा सके क्योंकि हमें हर बार सर्कुलर मोशन में इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं वृत्ति गति कहते हैं इसमें हमें हर बार किस चीज की जरूरत पड़ रही है डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है बस इतना ही बता के छोड़ रहा हूं जब सर्कुलर मोशन आएगा तो इस एग्जाम्पल को वापस लेकर के मैं आपको उस बल का नाम भी बताऊंगा कि उस बल का नाम क्या और कोई पढ़े लिखे बच्चा है तो वो बल का नाम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है यहां से मुझे पता है कि इस बल का नाम क्या है कोई बच्चा अगर ऐसा है तो लिख लो बाकी कोई बात नहीं जब आएगा समय तब देखेंगे चलो ये हो गया तीसरा काम क्या कर सकता है तीसरा काम वही है ये चाल को भी बदल सकता है और दिशा को भी बदल सकता है तो लिख लो गति की दिशा तथा चाल दोनों को बदल सकता है गति की दिशा गति की दिशा तथा चाल दोनों को बदल सकता है दोनों को बदल सकता है सही बात है सर परफेक्ट बात है सर चलो फोर्थ बल और भी बहुत कुछ वेरी गुड बेटा बल और भी बहुत कुछ कर सकता है बल वस्तु के आकार में भी चेंज ला सकता है गुब्बारे को ले लो और उस गुब्बारे के ऊपर बल लगाओ जैसे तो आपके पास कोई गुब्बारा है मान लो ऐसा शेप का है आपने इस गुब्बारे के ऊपर यहां से यहां से और यहां से और यहां से बल लगा दिया उसका शेप ऐसा भी हो सकता है, है ना तो गुब्बारे के ऊपर जैसे आप बल लगाओगे उसका शेप बदल जाएगा तो यह आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है तो वस्तु के आकार तथा आकृति को भी बल जो है बदल सकता है तो वस्तु के आकार वस्तु के आकार तथा उसकी जो आकृति है बेटा वस्तु के आकार तथा आकृति को भी बदल सकता है ना? तो वस्तु के आकृति और आकार को भी क्या कर सकता है बल वस्तु की आकृति और आकार को भी बल बदल सकता है तो ये बल के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो आपने मेरे से ले ली डन मजा आ गया क्या बोलो बेटा कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी भी बच्चे को यहां तक नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए ना अपन को चलो शुरू करें अब अपन सीधा आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर जो है न्यूटन का गति का प्रथम नियम ध्यान से सुनना न्यूटन का गति का प्रथम नियम अब मैं आपको इस न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक बात बताओ हमें ऐसा लगता था ना कि इस दुनिया में चलने के लिए हमेशा बल की आवश्यकता होती है वास्तव में सबको पहले ऐसा ही लगता था पर बाद में समझ में आया कि ये गलत है है ना ये समझ में आया था न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से पहले भी एक नियम आया था एक एक्सपेरिमेंट हुआ था गैलीलियो भाई साहब का एक्सपेरिमेंट वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट उसको ध्यान से सुनना वो एक्सपेरिमेंट क्या था कह सकते हैं कि न्यूटन भाई साहब ने इनके कंसेप्ट को एच डीज लिख दिया था गैलीलियो ने एक काम किया उन्होंने एक चिकनी सतह बनाई बिल्कुल चिकनी हालांकि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए बहुत कम जगह है तो मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ थोड़ा नीचे ले आता हूँ गैलीलियो भाई साहब को हम यहाँ से उठा करके यहाँ ले आते हैं आ जाओ भाई साहब आ जाओ चलो तो इन्होंने क्या किया ऐसी एक सतह बनाई इस टाइप की और इन्होंने यहां से बॉल को छोड़ा इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इनकी सतह बहुत ही चिकनी हो मतलब वहां कोई दिक्कत ना हो ऐसा इन्होंने मतलब बिल्कुल भी घर्षण ना हो और यहां से उन्होंने एक बॉल को छोड़ा वो बताए क्या देखते हैं ये बॉल जितनी हाइट से छोड़ी गई थी ये चल के चल के चल के चल के इधर भी उतनी ही हाइट गेन कर लेती है तो अगर हम होते तो हम सोचते भाई क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी है कर ली होगी वो गैली लिए थे उन्होंने एक काम किया उन्होंने कहा कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट करना चाहता हूं अपने तरीके से उन्होंने अगली बार क्या किया यहां से बॉल गई और यहां आ गई उन्होंने अगली बार क्या किया उन्होंने अगली बार ऐसा किया इधर वाले के थोड़ा सा इसके एंगल को कम कर दिया ऐसा कर दिया तो उन्होंने क्या देखा अब जब हमने बॉल को यहां से छोड़ा जितनी हाइट से हमने बॉल को छोड़ा भले ही बॉल को ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा पहले वाले के कंपैरिजन में पर फिर भी बॉल अभी उसी हाइट तक जाने की कोशिश करती है उनका दिमाग ठनका उन्होंने कहा एक काम करता हूं और थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मतलब उन्होंने और एंगल को कम कर दिया फिर छोड़ा तो वो क्या देखते हैं बॉल को जितनी हाइट से छोड़ा गया है बॉल मर जाएगी कट जाएगी पर उतनी ही हाइट पे जाके रुकेगी चाहे उसको कितना भी चलना पड़े इतना एक्स्ट्रा चलना पड़े चलेंगे बट जाएंगे हम उसी हाइट पे तो गैलीलियो ने एक निष्कर्ष निकाला क्या कि अगर मैं अगर मैं इस सतह को बिल्कुल प्लेन कर दूं और इस सतह के ऊपर घर्षण को बिल्कुल हटा दूं, चिकनी सतह बना दूं और यहां से मैं बॉल को छोड़ दूं, अब बॉल कब तक चलती रहेगी तो साहब जी बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसको एच हाइट नहीं मिल जाती और आपको अच्छे से पता है कि बॉल जब आप प्लेन सरफेस पे चलेगी तो उसको एच हाइट कभी भी नहीं मिलेगी मतलब बॉल अनंत समय तक उस एच हाइट की तलाश में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी मतलब इस नियम को ध्यान समझें तो बॉल को निरंतर चलने के लिए किसी भी लगातार बल की आवश्यकता नहीं है एक बार बल देके छोड़ दिया तो वो चलती रहेगी अनंत समय तक मतलब ये कब तक चलती रहेगी ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी बट एक समस्या है हमारे आसपास ऐसा होता नहीं है क्यों क्योंकि घर्षण होता है अब अगर यहां पे आप घर्षण है तो घर्षण क्या करेगा इस तरफ एक बल लगा देगा इसके खिलाफ वो बल कहलाएगा एफ एक्सटर्नल बाहर से किसी ने लगाया ना तो उस बल को बोलेंगे एफ बाहे और एफ बाहे बल लग जाएगा और जैसे ही एफ बाहे बल लगा वस्तु रुक जाएगी तो बात खत्म इसलिए हमको यहां पे दिखाई नहीं देता पर सुने अगर आप अंतरिक्ष में जाकर के किसी को टकरा के ऐसे फेंक दो मार्कर है आपने अंतरिक्ष में मार्कर को ऐसे फेंक दिया तो ये मार्कर अनंत समय तक इस ब्रह्मांड में उसी वेग से घूमता रहेगा जिससे आपने इसको फेंका है समझे हम्म, बोलो फ्रिक्शन लेस चाहिए हाँ सही कह रहे हो हिमानी फ्रिक्शन लेस प्लेन चाहिए तब जाके वो अनंत समय तक चलता रहेगा अदरवाइज रुक जाएगा बीच में भाई साहब इस पर आधारित ऐसे एक्सपेरिमेंट के आधार पर न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ ध्यान से नोट करना ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या सिंपल लिखें प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है अब गति की अवस्था कैसी विराम या एक समान गति की अवस्था एक समान गति की अवस्था तो प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था अवस्था कैसी हो सकती है उसकी गति की या तो वो रुकी है या फिर वो एक समान से चल रही है को बनाए रखती है को बनाए रखती है को बनाए रखती है जब तक कि उस पर बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहे असंतुलित बल उस पर कोई बाहे असंतुलित बल कार्यरत ना हो मतलब कोई वस्तु रुकी भी है तो अनंत समय तक रुकी रहेगी जब तक कि कोई बाहर से आके उसके ऊपर बल ना लगाए बल भी कैसा असंतुलित और बाहर का बल कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग से ही चलती रहेगी जब तक कि कोई उसके ऊपर बल ना लगाए मतलब ये तो ब्रह्मांड का नियम है साहब हम एक इंसान तब तक अपने जीवन में पड़ा रहेगा जब तक कि कोई बाहर से बल लगा करके उसे चला नहीं देता और जो लगातार संघर्ष कर रहा है जो मेहनत करना एक बार शुरू कर चुका है वो कभी नहीं रुकेगा साहब वो पूरी जिंदगी मेहनत करता ही रहेगा जब तक कि कोई बाहर से आके उसको रोक ना दे इस गुण को इनर्शिया कहते हैं वस्तु जिस गुण से अपनी गति की अवस्था को बनाए रखता है उस गुण का नाम क्या है इनर्शिया मैं तो सच बोल रहा हूं इंसानों के अंदर खासकर बच्चों में इनर्शिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जैसे आपने ठान रखी है कि मेरे को तो नहीं पढ़ना मैं तो नहीं पढ़ूंगा तो आप नहीं पढ़ोगे बाहर से कोई प्रेशर जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं पढ़ोगे पर एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया आपका मन लग गया पढ़ाई में फिर आपको लगातार बाहर से प्रेशर की जरूरत नहीं है फिर आपके अंदर की जो आग है वो आपको चलाती रहेगी पढ़ाती रहेगी पढ़ाती रहेगी हालांकि इससे घटिया एग्जाम्पल नहीं हो सकता न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ये बहुत मैंने साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल दे दिया बट आपके कॉन्टेक्स्ट में इसलिए दिया है क्योंकि जो बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं समझो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी मैं हूं ना मेरे जैसे किसी की जरूरत पड़ेगी पर एक बार आपके पढ़ाई में लगन आ गई एक बार आप में जिद आ गई एक बार आप में मेहनत आ गई फिर बार बार मुझे आपको आके मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा फिर आप अपने आप अपनी उसी स्पीड से चलते रहोगे न्यूटन का गति का नियम साहब ऐसा होगा चलिए अब आते हैं थोड़े से लाइफ के जिंदा एग्जाम्पल्स में लाइफ के थोड़े से जिंदा एग्जाम्पल्स में उससे पहले थोड़ा सा जड़त्व के बारे में पढ़ लेते हैं इनर्शिया के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं फिर गति के नियम के मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा मस्त मस्त तगड़े तगड़े उससे पहले थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं हल्का सा इनर्शिया एक वस्तु का वह गुण है जिससे वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है गति की अवस्था कौन सी अवस्था और एक समान गति की अवस्था लिखिए यह किसी वस्तु का वह गुण है यह किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपनी गति की अवस्था अपनी गति की अवस्था अब गति की अवस्था आपको बताया दो प्रकार की होती है मोटे मोटे तौर पे जो यहां बात की जा रही है एक तो विराम अवस्था और एक एक समान गति की अवस्था विराम अवस्था, विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था या एक समान गति की अवस्था तो क्या पढ़ रहे हैं हम हम ये पढ़ रहे हैं कि यह किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है विरोध करती है जिससे वह अपनी गति की अवस्था में जिससे वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है मतलब कहने का यह है कि अगर किसी वस्तु में जड़त्व है तो वो अगर रुकी है तो रुकी रहेगी उसको चलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर कोई चल रही है तो उसे रोकने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो गुण जो वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उस गुण को अपन क्या बोलते हैं जड़त्व और ऐसा होता है ये नियम क्या है न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझ गए अब इसमें अब एक बात ध्यान रखना मैं सिंपल सा एक पॉइंट लिख रहा हूं किसी भी वस्तु का जो इनर्शिया है जड़त्व है वो उसके मास के समानुपाती होता है एक वस्तु में जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु में उतना ही ज्यादा क्या होगा जड़त्व होगा इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जितना वस्तु के पास द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना उस वस्तु का जड़त्व अर्थात इनर्शिया भी ज्यादा होगा तो जड़त्व जो है ना द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है आप ऐसे लिख सकते हो एक लाइन में सिंपल द्रव्यमान जड़त्व की माप है जड़त्व को मापने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे द्रव्यमान का इस प्रकार से अब मैं न्यूटन के गति के तीनों प्रथम नियम और जड़त्व के नियम को साथ समझाने की कोशिश करता हूं जड़त्व भी तीन प्रकार का होता है है ना यह जड़त्व जो है ये तीन प्रकार का होता है इसके तीन प्रकार हैं तीन प्रकार कौन कौन से हैं एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट अवस्था का जड़त्व एक है इनर्शिया ऑफ मोशन सब एक्सप्लेन कर दूंगा आपको घबराना नहीं है और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विरामावस्था का जड़त्व विरामावस्था का जड़त्व विराम का जड़त्व गतिक जड़त्व, गति का जड़त्व और तीसरा है दिशा का जड़त्व चलिए शुरू करें देखो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो चलना नहीं चाहती तो हमेशा रुके रहना चाहती है ये है जनत्व विराम अवस्था का इसका एग्जाम्पल देता हूं आप सभी ने बस में ट्रेवल किया होगा यह आपकी बस जो है वो रुकी हुई है ना बस रुकी हुई है और हमारा चिंटू बस में खड़ा हुआ है चलो चिंटू की बात करते हैं यहां से किसी बच्चे को उठा ले चलो आकाश बाबू करके एक बच्चा आकाश को ले देते हैं चलो ठीक है ये आकाश बाबू है ठीक है अब नाम लिख रखा है उन्होंने अपना आकाश बाबू तो हम आकाश बाबू के नाम से जानेंगे ठीक है तो ये आकाश बाबू बल बस के साथ में रेस्ट पे है तो आकाश बाबू का जो पूरा शरीर है उसके पास क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट पे है रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहना चाहता है एकदम से, एक से क्या होता है आकाश बाबू समझिएगा एकदम से क्या होता है आकाश बाबू की जो बस है ना वो चल पड़ती है साहब एकदम से क्या होता है आकाश बाबू की बस चल पड़ती है तो जैसे ही आकाश बाबू की बस चल पड़ती है क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है आकाश बाबू के साथ क्या होगा सोचा आपने आकाश बाबू के साथ ये होगा कि जैसे ही आपकी बस चल पड़ेगी आकाश बाबू पीछे की तरफ झुक जाएंगे ऐसा क्यों समझना हमारे शरीर के मान लो दो हिस्से हैं एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा दोनों ही हिस्से रेस्ट में रहना चाहते हैं क्यों क्योंकि इनके पास विरामावस्था का जड़त्व है क्योंकि दोनों रुके हुए अब आपकी बस रुकी हुई है तो इनके पास कौन सा जड़त्व होगा विरामावस्था का तो ऊपरी हिस्सा भी चलना नहीं चाहता निचला हिस्सा भी चलना नहीं चाहता कब तक जब तक कि कोई बाहर से उनपे फोर्स ना लगा दे तो जैसे ही बस चली बस ने फोर्स किस पे लगाया प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म ने फोर्स किस पे लगाया आकाश बाबू के शरीर के निचले हिस्से पे तो कौन से हिस्से पर बल लगा शरीर के निचले हिस्से पर बल लगा तो निचला हिस्से ने चलना शुरू कर दिया पर ऊपरी हिस्से के ऊपर तो अभी कोई डायरेक्ट फोर्स लगा नहीं है टाइम लगेगा मसल खींचेगी तब लगेगा तो ऊपरी हिस्से के ऊपर डायरेक्ट कोई फोर्स अभी आया नहीं है तो उस रीजन से ऊपरी हिस्से ने जड़त्व व विराम के होने के कारण चलने से मना कर दिया और नीचे वाले हिस्से को जबरदस्ती चलना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा था बाह्य बल लगा था तो गति की अवस्था को बनाए रखा जाएगा जब तक कि कोई बाहे बल ना लग जाए तो बाहे बल लग गया फर्श ने लगा दिया बाहे बल किसके ऊपर लगा दिया भाई साहब आपके शरीर के निचले हिस्से पर लगा दिया तो निचला हिस्सा चल पड़ा ऊपरी हिस्सा अड़ा हुआ है मैं नहीं जाऊंगा तो मत जा ऐसे झुकना पड़ेगा बस एक बात को ध्यान रखना थोड़े टाइम बाद में क्या होगा ऊपरी हिस्से के ऊपर भी हमारी शरीर के जो मसल्स हैं वो प्रेशर लगाएंगे और आकाश बाबू अपने शरीर को क्या कर लेंगे सीधा कर लेंगे पर या आपको यहां पे जड़त्व देखने को मिला किसका जड़त्व देखने को मिला विराम अवस्था का जड़त्व देखने को मिला ऐसा बहुत जगह होता है जैसे आपने कैरम बोर्ड खेला है कैरम बोर्ड में एक गोटी है उसके ऊपर दूसरी गोटी है उसके ऊपर तीसरी गोटी है उसके ऊपर चौथी गोटी है उसके ऊपर पांचवी गोटी है अब होता क्या है जब आप स्ट्राइकर से हिट करते हो तो जो नीचे वाली गोटी है केवल नीचे वाली गोटी आगे जाती है ऊपर वाली गोटियां सारी की सारी वहीं की वहीं रह जाती हैं और थोड़ी देर में वो नीचे गिर जाएंगी तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि मान लो सात गोटी है नीचे वाली गोटी को आपने स्ट्राइकर से हिट किया तो केवल वही है जिसके ऊपर बाहे बल लगाए तो उसने अपनी विरामवस्था को छोड़ दिया बाकी ऊपर जो है वो जड़त्व के कारण गति के प्रथम नियम के कारण अपनी विरामवस्था को बनाए रखना चाहती हैं इसलिए वहां से वहीं की वहीं रहती हैं नीचे से पहली गोटी निकल जाती है और बाकी सारी गोटियां वहीं रह जाती हैं और ऐसे किसी नीचे पड़ जाती है आप लोगों ने कभी कंबल के ऊपर धूल को लगे हुए देखा है कंबल के ऊपर धूल लगी हुई है हम जब कंबल को फट्टे से मारते हैं जब हम कंबल को बैट से मारते हैं तो हम बल किस पे लगाते हैं कंबल के ऊपर तो कंबल के ऊपर बाहे बल लगता है कंबल पीछे चला जाता है पर जो धूल के कण हैं वो चाहते हैं कि हम हमारी विराम अवस्था को बनाए रखें और धूल के कण अपनी विराम को बनाए रखने के चक्कर में वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं तो ये भी क्या है ये विराम अवस्था का जड़त्व है आ गया समझ में तो आप धूल के कण का एग्जाम्पल ले लो आप गोटियों का एग्जाम्पल ले लो सारे एग्जाम्पल सेम ही है एक आर एग्जाम्पल और मिल जाते हैं आपको न्यूटन गति के नियम के जैसे एक ग्लास है इस ग्लास के ऊपर ऐसे आपने एक प्लेट रखी और इस प्लेट के ऊपर सिक्का रखा हुआ है आप अगर इस प्लेट को तेजी से या इस कागज के टुकड़े को तेजी से धक्का दे दो तो इसके थोड़ी देर बाद बताऊं क्या होगा इसके थोड़ी देर बाद ये होगा कि आपका जो कागज का गत्ता है वो तो आगे चला जाएगा क्योंकि बल आपने उसके ऊपर लगाया है पर ये जो सिक्का है ये अपनी विरामवस्था को बनाए रखना चाहेगा और ये ग्लास के अंदर नीचे गिर जाएगा आपने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट देखे होंगे मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा रिवाइज कराने आया था तो आपने रिवाइज कर लिया ठीक है तो कंबल में धूल का झड़ना आकाश बाबू का ट्रेन के चलने पे या फिर बस के चलने पे पीछे झुकना आपका कंबल से मिट्टी का हटना ग्लास के अंदर सिक्के का गिरना ये सब क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है अब आगे सुनना ध्यान से अब चल पड़े तो चल पड़े अब तो हम चलना ही चाहते हैं तो आकाश बाबू की जो बस है वो चल रही है और आकाश बाबू भी बस में चल रहे हैं अब शरीर को चलने की आदत हो चुकी है मतलब अब क्या आ चुका है इनर्शिया ऑफ मोशन अब आकाश बाबू का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों चाहता है कि हम बस के साथ चलते ही रहे वेरी गुड चलो अब एकदम से बस ने ब्रेक लगा दिया साहब एकदम से अब हरियाणा रोडवेज हो सकती है राजस्थान रोडवेज हो सकती है एमपी रोडवेज हो सकती है कोई भी रोडवेज हो सकती है अब आकाश बाबू बैठ गए उस रोडवेज के अंदर और रोडवेज में एकदम से सामने से कोई आ गया और भाई साहब ब्रेक लगाना पड़ गया हमारे रोडवेज के ड्राइवर जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं ब्रेक तुरंत लगा लेते हैं तो उन्होंने फटाक से ब्रेक लगा दिया ब्रेक लगाते ही पता है क्या हुआ ब्रेक लगाते ही आकाश बाबू का ताता धैया और वो आगे की जब झुक जाएंगे आपने सबने ने एक्सपीरियंस किया होगा ना क्या होता है आकाश बाबू के सामने साथ में क्या होता है बताओ आकाश बाबू के साथ में ये होगा कि नहीं होगा कि यहां आकाश बाबू आगे की तरफ झुक जाएंगे आपने सोचा ऐसा क्यों होता है आकाश बाबू आगे की तरफ क्यों झुकते हैं चलिए ध्यान से देखते हैं आकाश बाबू का ऊपरी हिस्सा भी बस के साथ चल रहा है निचला हिस्सा भी बस के साथ चल रहा है अब मोशन आ चुका है तो वो चाहते हैं कि हमें चलते हुए कोई रोके ना हम चल रहे हैं तो चलते रहे हमेशा बस क्या करती है सामने कोई आ गया तो बस को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ गया तो जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया आकाश बाबू का जो निचला हिस्सा है वो फर्श के संपर्क में था तो उसके ऊपर बाहे बल लगा और वो रुक गया पर ऊपरी हिस्सा अभी भी चलना चाहता है गति के जड़त्व के कारण गति के प्रथम नियम के कारण कि चल रहा है तो चलता रहेगा रुका है तो रुका रहेगा तो चलना चाहता है तो निचला हिस्सा तो रुक गया आगे वाला हिस्सा अभी भी चलना चाहता है तो ऐसे गिर जाओगे ना सिंपल है तो इसलिए आकाश बाबू आगे की तरफ झुक जाते हैं बस के एकदम से रुकते ही दिशा का जड़क देखो आपको पता है कि अगर आप रस्सी से एक पत्थर को बांध रखे हो और वो पत्थर गोल 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 घूम रहा है रस्सी के साथ में ऐसे अब मेरा सवाल यह है कि आपने ये रस्सी से बांध रखा है ये आकाश बाबू हमारे मस्त गोल 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 घुमा रहे हैं ऐसे है ना मस्त गोल 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 घुमा रहे हैं आकाश बाबू के एकदम से जची यहां पर आकर के यार एक काम करता हूँ छोड़ देता हूँ रस्सी को तो आकाश बाबू ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं वो जहां पे भी छोड़ेंगे किस तरफ जाएगा पत्थर सोचो अगर यहां छोड़ा है तो इस तरफ जाएगा यहां छोड़ा है तो इस तरफ जाएगा यहां छोड़ा है तो इस तरफ जाएगा छोड़ा है तो इस तरफ जाएगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि आपको पता है जब वृत्तीय गति होती है जब वृत्ति आज ही पढ़ाया मैंने अभी आते जब वृत्तीय गति होती है तो हर पॉइंट पर दिशा स्पर्श रेखी होती है तो मान लेते हैं कि आपने इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर वस्तु की वृत्तीय गति को तोड़ दिया कैसे गोल 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 घूम रहा था रस्सी बंधी हुई थी आपने रस्सी को तोड़ दिया तो आप जिस भी जगह रस्सी को काटोगे उस जगह आपके उसी दिशा को बनाए रखते हुए उसी दिशा में हमेशा चलना चाहेगा वो उसी दिशा को हमेशा बनाए रखते हुए उसी दिशा में हमेशा चलना चाहेगा चाहे चाहे और ऐसे निकल जाएगा यहां से भी अगर आप इसको फेंकोगे जहां से आप पत्थर को छोड़ोगे ना बेटा जहां से आप पत्थर को छोड़ोगे उस जगह जो रेखा बन रही होगी पत्थर उस रेखा के ऊपर जाएगा क्योंकि यह है दिशा का जड़त्व। सर इसको आप किसी और एग्जाम्पल से समझा सकते हो हाँ बिल्कुल एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है इसमें विराम में परिवर्तन का विरोध हो रहा है इसमें क्या हो रहा है गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है वस्तु और इसमें क्या हो रहा है गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है मैं कार में बैठा हुआ हूं अब कार चल रही है चल 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 रही 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 है चल रही है 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 मेरे शरीर को आदत है कार के साथ एक दिशा में जाने की मेरे निचले शरीर को भी आदत है कार के साथ एक दिशा में जाने की अब ध्यान से सुनना आकाश बाबू को रोड पर फेंकने वाले हैं अपन माफी चाहूंगा पहले बेटा मजाक में ले रहा हूं आपको थोड़ा सा पर आप याद रहोगे मुझे कि आशा 2025 की पहली क्लास में हमारा आकाश बाबू था जो यहाँ पे आ गए थे चलो तो आकाश बाबू बैठे हैं ऐसे हाथ बांध के ओह हो मजा आएगा तो आकाश बाबू बैठे हैं ऐसे जैसे कार है कार के मान लो ये चेयर है और इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं है ना आकाश बाबू इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं ऐसे बढ़िया से है अब सुनना ध्यान से आप वो रिकॉर्डेड देख लेना आपकी जो मोमेंटम की क्लास से आज आज यहाँ इंजॉय करो तो आकाश बाबू चेयर के ऊपर ऐसे बैठ गए भाई साहब वाह बहुत मजा आया सर बैठ गए हम तो हाँ अब कार जा रही है इस तरफ आकाश बाबू उधर ही जा रहे हैं कार एकदम से मुड़ गई भाई साहब आकाश बाबू चाहते हैं कि अब भी हम सीधा ही जाएं हम क्यों मुड़े हमारा निचला शरीर कार के संपर्क में है तो उसकी मजबूरी है कि उसको ऐसे टर्न लेना पड़ रहा है आकाश बाबू का ऊपरी हिस्सा अभी भी चाहता है कि हम सीधे ही जाएं अब इमेजिनेशन करो अगर आप ऐसे कार में बैठे हो आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो और एकदम से कार वाला टर्न ले ले क्या होता है हमारा ये जो हिस्सा है वो कांस से जाके टकराता है होता है ऐसा कभी सोचा ऐसा क्यों होता है जब आका आपकी कार चल रही होती है तो एक दिशा का जड़त्व होता है मतलब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जैसे डायरेक्शन चेंज होती है हमारा निचला हिस्सा तो कार के साथ मुड़ जाता है ऊपरा हिस्सा अभी भी सीधा जाना चाहता है तो वो यूं जाता है सीधा अब कार घूम रही घूम गई और हमें सीधा जाना है तो हमारा ये शरीर जो है वो किससे टकराएगा किससे टकराएगा इस तरफ क्या आ चुका है अब कार का गेट तो गेट से टकराता है और अगर गेट में लॉक खुला हुआ नहीं है तो माफी चाहूंगा आकाश बाबू जमीन जाएंगे, करके यही है उसके पीछे। आ गया समझ में? तो विराम का जड़त्व है अवस्था का विरोध करना गति का जड़त्व है गति की अवस्था का विरोध करना दिशा का जड़त्व है दिशा में परिवर्तन का विरोध करना चलो तो उम्मीद करते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा मस्त वो दिक्कत आ जाते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के ऊपर इसको ध्यान से सुनना और समझना न्यूटन का गति का द्वितीय नियम न्यूटन का गति का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ मोशन चलो अब समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है देखो बेटा जी ध्यान से समझना है इसको किसी वस्तु पर लगने वाला किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल, किसी वस्तु पे लगने वाला नेट बल, किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल, उस वस्तु के उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के रेखीय संवेग में रेखीय संवेग में रेखी परिवर्तन की दर के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP ओवर dt सर ये क्या चीज है अभी समझाते हैं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं मजे मजे में यही पूछ क्या आपको संवेग के बारे में पता है थोड़ा बहुत संवेग का मतलब होता है इंग्लिश में मोमेंटम एक सदिश राशि है पता है संवेद के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं सब बताता हूं इस क्लास में बैठे हुए आपको सब पढ़ाया जाएगा घबराते का एक को संवेग होता है किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु का द्रव्यमान वेग सिंपल तो द्रव्यमान वेग बस इट तो संवेग क्या होता है संवेग होता है द्रव्यमान वेग लिख लोगे इतना संवेग क्या चीज है द्रव्यमान वेग चलो तो किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है कुछ भी समझ में नहीं आता है बच्चों को इस स्टेटमेंट से बट मैं हर साल ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को जिससे उनको सेकेंड लॉ की बिल्कुल फीलिंग्स ही आ जाती है चलो शुरू करते हैं एक बॉल आ रही है भयंकर स्पीड से क्रिकेट चल रहा है है ना अंडर 19 का मैच चल रहा है आप तो समझ में आएगा तुम्हारे मैच के तो शौकीन हो गए तुम लोग कबूतर सारे के सारे पता है मेरे को चलो तो अंडर नाइनटीन का मैच हो रहा है साहब और अंडर नाइनटीन के मैच में सामने से एक बॉल आ रही है भयंकर स्पीड में अब इस बॉल को पकड़ता है हमारा एक क्रिकेटर इंडिया की जर्सी पहन के अपने दो ब्यूटीफुल हाथों से तो देखने में बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रहे होंगे और इसी बॉल को पकड़ता है और एक बार छक्का लगता है भयंकर और ये बॉल जाती है पता है कहाँ पे स्टेडियम में लोगों के पास और लोगों में से किसी को उठा के लाऊं तो में से एक बकरा और चाहिए मेरे को किस किसको लें लें किसको लें हम्म हम्म लें चलो हर्षवर्धन को ले देते हैं हर्षवर्धन चलो हर्षवर्धन किसी और को पकड़ता हूँ ये प्रणव को ले लेते हैं ये पंचायती बहुत करता है चलो प्रणव को ले लेते हैं ये है हमारा प्रणव भाई साहब ठीक है इसको लेते हैं चलो अब ये जो है ये खड़ा है भाई साहब वहां पे सामने अब इसको आ रहे मजे बैठा है चीयर चीयर कर रहा हूं खड़ा होके इसको लगता है मैं भी बॉल पकड़ेगा है ना तो ये है नूभ ये एक टेक्निक को काम में लेता है इसको टेक्निक तो कुछ आती नहीं है ये अपने दोनों हाथों को बॉल के सामने ऐसे कर देता है ये लो आएगी मेरे हाथ से टकराएगी और मैं उसे रोक लूंगा अब ध्यान से समझना बॉल का जो भी द्रव्यमान है और उसका जो भी वेग है उसको संवेग कहेंगे गुणनफल को मान लेते हैं बॉल का संवेग है 200 सौ हंड्रेड तो जब बॉल को आप हाथ में कैच कर लोगे सुनना बॉल को जब आप हाथ में कैच कर लोगे तो कैच करने के बाद में उसका संवेग कितना होगा आफ्टर कैच तो सब द्रव्यमान इंटू वेग वेग हो जाएगा जीरो क्योंकि तो बॉल रुक जाएगी तो संवेग कितना हो जाएगा जीरो मतलब संवेग में परिवर्तन कितना है संवेग में परिवर्तन कितना है जब बॉल का संवेग था 200 आपने उसको रोक दिया तो संवेग में परिवर्तन कितने का हुआ 200 का 200 सौ जीरो अंतर कितना आया 200 ठीक है और वैसे देखें तो प्रारंभिक माइनस अंतिम तो अंतिम हो गया जीरो प्रारंभिक हो गया 200 मतलब माइनस का 200 कहने का मतलब आपको अगर बॉल को रोकना है तो उसके संवेग को कितना कम करना पड़ेगा दो से कम करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा ठीक है अब जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के बंदे हैं वो कैच को ऐसे पकड़ते हैं बॉल हाथ में आ रही है यूं धीरे धीरे पीछे लेके जाते हैं ऐसे तो वो क्या करते हैं जब हाथ को ऐसे पीछे लेके आ रहे हैं तो ये कोई एक्शन सीन नहीं है के जी एफ का कि उसको मजा आ रहा है ऐसे करने में जब वो हाथ को पीछे लेके जाते हैं तो धीरे धीरे वस्तु का संवेग कम होता है समय बढ़ जाता है मतलब वो टाइम को बढ़ा देते हैं ये भाई साहब क्या करेंगे बॉल को कैच करने में मान लो इन्होंने बॉल को कैच करने में मान लो दस मिली सेकेंड का समय लिया तो पहले बॉल का संवेग 200 से मान लो 100 हुआ फिर 100 से 50 हुआ फिर 50 से 25 हुआ फिर जीरो हुआ तो इन्होंने दस मिली सेकेंड का समय लिया हल्का हल्का धीरे धीरे बॉल को रोका तो समय बढ़ गया ठीक है प्रणव ने क्या किया प्रणव तो भाई साहब भयंकर था संवेग 200 है बोले मैं तो रोकूंगा हाथ को ऐसे करके खड़ा हो गया अब जैसे बॉल हाथ से टकराई टकराते ही एक मिली सेकेंड में बॉल का संवेक खटाक 200 से कितना हो गया जीरो हो गया भाई साहब किसके हाथ पे चोट लगती है आपको पता है जो अंडर 19, जो अंडर 19 टीम का बंदा है वो हाथ को धीरे धीरे पीछे लेके जा रहा है समय बढ़ा दिया उसने तो फोर्स कम लगेगा इन भाई साहब ने उसी संवेग में परिवर्तन को कम समय में कर दिया तो इनका फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो पहली बात तो फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है कि आप संवेग में परिवर्तन कितना ज्यादा कर कर रहे रहे हो 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 दूसरा कितने समय समय में कर रहे हो? अगर आपने समय को बढ़ा दिया तो बल कम हो जाएगा भले ही संवेग परिवर्तन सेम हो इसको भी बॉल को रोकना था 200 से जीरो करना था इसको भी बॉल को रोकना था दो सौ से जीरो करना था जिसने किया दस मिली में टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया और इन भाई साहब ने उस काम को झटके में कर दिया ऐसे तो टाइम जो था टाइम को इतना कम कर दिया कि उस संवेग परिवर्तन के लिए टाइम अगर आपने बहुत कम कर दिया तो बल क्या होगा बहुत ज्यादा लगेगा तो इन्होंने डेल्टा टी को कम रखा तो इन्हें बल ज्यादा लगा इन्होंने डेल्टा टी को ज्यादा रखा तो इन्हें बल कम लगा सिंपल मतलब यहां से समझ में आया यहां से समझ में आया यहां से समझ में आया साहब मुंह भी टूट सकता है दांत भी टूट सकते हैं हाथ भी टूट सकता है उंगली भी टूट सकती है कुछ भी हो सकता है तो कहने का मतलब संवेग जो है एक तो संवेग परिवर्तन पे आपका बल निर्भर करता है उससे इंपॉर्टेंट संवेग परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है कि एक सेकंड में एकांक समय में आप कितना संवेग चेंज कर रहे हो कितना संवेग को बदल रहे हो उस पर बल जो है वो बहुत ज्यादा बेटा निर्भर करता है डन समझ में आ गया क्या तो यहां से इसको नोट कर लो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है वो वन है यहाँ एक कांस्टेंट आता हैन है तो के इज इक्वस टू यहाँ पे वन है ये न्यूटन भाई साहब ने बताया था हमें तो उससे क्या ही मतलब तो F क्या आ गया डी पी अब मेरी बात को ध्यान सुनना यहाँ से कहानी चेंज होगी और अब आपकी असली जे नीट के सवाल शुरू होने वाले हैं तो अभी मेरे को लगभग सवा घंटा लग गया भूमिका बनाने में तो फटाफट फड़ से हैश मक्खन लिख दो इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से हैश मक्खन इन कमेंट सेक्शन यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है मैंने आपको थोड़ा सा फील करवा दिया है ना इस एग्जाम्पल से फील कर लिया हमने गति का नियम क्या है अब इसको आगे पोस्टमार्टम इसका बहुत अच्छे से करेंगे तो जल्दी से बताओ यहां तक सब ठीक है यहाँ तक सब ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो तो शुरू करें अब एक सवाल दे दूँ आपको करने के लिए पहले थोड़ा सा ढंग से करना बॉल जा रही है इधर दस मीटर पर सेकंड के वेग से इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मान सकते हो ठीक है टकराती है टकरा के वापस लौट जाती है मतलब अभी आगे जा रही है दस मीटर पर सेकंड के वेग से करा के वापस लौट जाती है दस मीटर पर सेकेंड के वेग से डेल्टा पी वेक्टर निकालो कितना होगा कमेंट सेक्शन में फटाफट डेल्टा पी निकालो कितना होगा डेल्टा पी निकालो कितना होगा डेल्टा पी निकालो कितना है सर मैं ट्वेल्थ में हूँ देख सकता हूँ क्या बिल्कुल बेटा डेल्टा पी निकालो कितना होगा चलो बढ़े आगे डेल्टा पी होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अब आप एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर ये एम द्रव्यमान की वस्तु है तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या है द्रव्यमान हो गया इसका एम वेग है उसका दस तो दस इंटू एम किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में और एक्स एक्सिस क्या होता है आई कैप होता है तो प्रारंभिक संवेग इसका एक्स एक्सिस में कितना है दस मीटर वैल्यू हो गई और आपको ये बात शायद आपने वेक्टर थोड़ा पर पढ़ लिया होगा मैंने आपको रिवाइज करने के लिए कहा भी था तो एक्स एक्सिस में आई कैप लेते हैं अपन डायरेक्शन वाई एक्सिस में जे कैप लेते हैं और जेड एक्सिस में के कैप लेते हैं ना तो प्रारंभिक मोमेंटम कितना हो गया दस मीटर आई कैप टेन इंटू एम आई कैप एम मतलब द्रव्यमान हो गया अंतिम कितना होगा अंतिम है दस इंटू एम एम मतलब द्रव्यमान आप चाहो तो पहले लिख लो एम को ताकि परेशान ना हो एम इंटू दस आई कैप ये हो जाएगा एम इंटू दस अभी दस किस तरफ है इधर तो एक्स एक्सिस होता है माइनस एक्स एक्सिस होता है आई कैप माइनस का एक्स एक्सिस होता है माइनस का आई कैप तो इसकी दिशा क्या हो गई माइनस का आई कैप अब जब आप डेल्टा पी वेक्टर निकालोगे तो डेल्टा पी वेक्टर क्या आएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक तो अंतिम कितना है माइनस का दस इंटू एम आई कैप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस का टेन एम आई कैप ये अंतिम हो गया माइनस प्रारंभिक कितना है प्रारंभिक है टेन इंटू एम आई कैप तो अंतिम कितना हो गया परिवर्तन माइनस का ट्वेंटी एम इंटू आई कैप दैट्स इट तो ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए और आपको वो निकालना है इसका परिमाण निकालना है तो इसका परिमाण कितना होगा ये तो अकेला ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है आई के साथ में जो लिखा हुआ है ये परिमाण है तो परिमाण इसका हो गया ट्वेंटी इंटू एम मतलब डेल्टा पी वेक्टर का जो मॉड है वो आ गया ट्वेंटी इंटू एम इस प्रकार से बेटा ठीक है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए वैक्टर वगैरह पढ़ लो नहीं पढ़ाए तो आने वाले जीवन में काफी काम आने वाली चीज़ है ठीक है चलिए अब इस पर आते हैं एफ बराबर डी पी बाई डीटी वाले फॉर्मूले के आते हैं ध्यान से इस फॉर्मूले को सुनना बराबर डी पी अगर अपन पी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा एम इंटू वी लिख सकते हैं अपन पी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा एम इंटू वी लिख सकते हैं अब सुनना तो एफ बराबर क्या आ गया इस तरीके से एफ बराबर आ गया डी बाई डी टी एम इंटू वी अब जेई की और नीट की फिजिक्स शुरू हो रही है यहां से आपके पास दो केस बनते हैं एक बनता है केस नंबर वन और एक बनता है केस नंबर टू एम आपका फिक्स हो एम आपका बदले नहीं द्रव्यमान आपका नहीं बदले तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो एम कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा अगर द्रव्यमान नियत रहेगा तो एफ बराबर क्या है डी बाई डी टी इंटू एम वी अगर एम नियत है तो एम को बाहर निकाल लो बेटा क्या बन जाएगा डी वी बाई डी टी और वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या होता है त्वरण होता है तो एम ए आ जाएगा ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा और f इज इक्वल टू एम ए के ऊपर तो आपको वैसे भी इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल करने ही हैं कोई दिक्कत नहीं है केस नंबर टू क्या है यदि समय के साथ समय के साथ एम तथा वी दोनों बदल रहे हों एम तथा वी दोनों बदल रहे हों तो क्या करेंगे बेटा समय के साथ अगर एम और वी दोनों ही बदल रहे हैं जब कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो आपको पता है समाकलन कैसे करते हैं क्या आपने बेसिक मैक्स का लेक्चर देखा था फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट को मान के मान के सेकंड का समाकलन करते हैं प्लस सेकंड को कांस्टेंट मान के फर्स्ट का समाकलन करते हैं ऐसे अब यहां मेरे को आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स में और ऐसा देखा गया है कि इस पे जे एडवांस वगैरह के सवाल थोड़े बहुत बनते हुए पाए गए हैं चलिए ऐसा कब होता है सर एग्ज़ाम्पल तो इसका जब समय के साथ द्रव्यमान भी बदल रहा हो और वेग भी बदल रहा हो आपने कभी सुना है इस तरह के सवाल कि ये एक गाड़ी है या एक ये, ये गाड़ी है कंटेनर है यह आगे किसी स्पीड से चल रहा है और इसके ऊपर बारिश हो रही है तो जैसे जैसे इस कंटेनर पे बारिश होगी समय के साथ साथ इस कंटेनर का द्रव्यमान जो है वो चेंज होता जाएगा मतलब समय के साथ साथ यहाँ द्रव्यमान भी चेंज हो रहा है और वेग भी चेंज हो रहा है आपने रॉकेट के बारे में सुना है कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट अपने अंदर से कुछ गैसेस को छोड़ता हुआ चलता है उन गैसेस को छोड़ने से उसका द्रव्यमान और वेग दोनों समय के साथ चेंज होता है तो ये लग सकता है और रॉकेट के प्रपलशन में ये जो है, upon DT, ये जो है आप आगे जाके पढ़ोगे इस upon DT को थ्रस्ट के नाम से जानते हैं रॉकेट के केस में मैं ज्यादा डिटेल में पे नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि जब समय आएगा तो पढ़ाऊंगा आपको मैं सब कुछ बट फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं कि इस फॉर्मुले के दो मायने निकल सकते हैं एक तो केस नंबर वन जब आपका एम नियो 99% सवाल इसी केस में चलेंगे पूरी फिजिक्स आगे ऐसे चलनी है बस 1% सवाल कभी कभी ऐसे बन जाते हैं जिसमें रॉकेट आ गया है ना और जिसके अंदर ये इस तरह के सवाल आ गए ठीक है या फिर किसी बेल्ट के ऊपर अपन कुछ डाल रहे हैं अभी कराऊंगा मैं आपको बट क्या आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि अगर एम नियत है तो हम इस फॉर्मुले के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे और अगर एम नियत नहीं है एम और वी समय के साथ बदल रहे हैं प्यारे बच्चों तो हम इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे यहां तक क्लियर है क्या हैश क्लियर लिख दो फिर सवाल पे आते हैं हैश टैग क्लियर हैश टैग क्लियर इन द कमेंट सेक्शन अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं सवाल कर रहे हैं फिर अपन इससे संबंधित थोड़े से Later. चलो अब इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करो चित्र के अनुसार एक कन्वेयर बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट का मतलब आपने देखा है इसको ये ऐसा एक, एक चक्री लगी होती है एक चक्री लगी होती है बेल्ट लगातार चल रहा है तो चित्र के अनुसार एक कन्वेयर बेल्ट पे 200 ग्राम पर सेकंड की दर से बजरी गिराई जाती है बेल्ट को 12 मीटर पर सेकंड की स्थिति से गतिमान करने के लिए आवश्यक बल की हमें गणना करनी है ठीक है चलो अब इसमें हम कैसे करेंगे बात को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है इसमें हम कैसे करेंगे अब बात को समझने की जो है कोशिश करते हैं करें स्टार्ट करें इस सवाल को ध्यान से पढ़ो चित्र के अनुसार कन्वेयर बेल्ट पे 200 ग्राम पर सेकंड की दर से बजरी गिरी है तो इस बेल्ट के ऊपर ये बजरी गिर रही है 200 ग्राम पर सेकंड गिर रही है ठीक है मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो डीएम अपॉन इसने अपन को दे रखा है 200 क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कितने समय में द्रव्यमान ऐड हो रहा है एकांक समय में जो द्रव्यमान ऐड हो रहा है वो क्या है डीएम अपॉन डीटी है तो हर सेकंड द्रव्यमान कितने से बदल रहा है दो से अभी दो अगले सेकंड में फिर दो फिर दो फिर दो तो एकांक समय में जो परिवर्तन है वो कितना है डी पी कितना है दो है ये कह रहा है कि हमें बेल्ट को 12 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति से गतिमान रखना है मतलब इसने कह दिया कि v जो है वो उसने कह दिया आपको फिक्स करना है v आपको नियत रखना है और v का मान आपको कितना रखना है बेटा v का मान आपको रखना है 12 मीटर पर सेकंड उसके लिए बल कितना चाहिए होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एकांक समय में संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है क्योंकि बल तो किस पर निर्भर करता है संवेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है तो अगर हम ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि एक सेकेंड में प्रति एकांक सेकंड में संवेग में परिवर्तन इस गेम में कितना हो रहा है तो हम इस सवाल को यूं कर जाएंगे ऐसे कर जाएंगे सही कह रहा हूं लगाए पता कन्वेयर बेल्ट के सवाल ऐसे निकल के आते हैं चलो शुरू करते हैं अब आपको पता है यहाँ पे द्रव्यमान बदल रहा है तो अपन फॉर्मला कैसा लगाएंगे फॉर्मला लगाएंगे डी अपॉन डी टी मैं पहली बार करवा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं अदरवाइज अगली बार डायरेक्ट फॉर्मला क्या लगेगा एफ बराबर एम डी वी अपॉन डी टी पहले को मान लिया दूसरे को फिक्स कर लिया फिर दूसरे को फिक्स कर लिया पहले को ले लिया ये फॉर्मला लगेगा यहाँ पे क्योंकि तो मान में चेंज आ रहा है क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है डी वी बाय का मान कितना लू मैं इस सवाल में डी वी बाई का मान मैं कितना लू इस सवाल में कमेंट करके बताओ कि सर में डी वी अपॉन डी का मान कितना लिया जाए डी अपॉन डी टी का मान कितना लिया जाए कमेंट करके बताओ क्या वेग को समय के साथ बदलने की बात हो रही है क्या क्या वेग को समय के साथ बदलने की बात हो रही है क्या वेग को तो फिक्स रख रहे हैं ना मतलब वेग तो समय के साथ बदलना ही चाहिए मतलब डी वी बराबर डीटी जीरो जाना चाहिए ये जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो एफ क्या आ गया बराबर वी डी एम बाई डी टी डन तो ये बचेगा अब इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो तो वी का मान कितना दे रखा है आपको वी का मान दे रखा है आपको बारह इंटू डीएम बाई डी टी कितना है दो सौ ग्राम दो सौ को तो बदलना पड़ेगा ना तो दो सौ डिवाइड बाई हजार करना पड़ेगा क्यों अपन को किलोग्राम में चाहिए होगा ना तो ये तो आपका ग्राम पर सेकंड में है किलोग्राम में चाहिए तो हज़ार से भाग लगा दो किलोग्राम के लिए ऐसे यूनिट में करना है ना गेम चलो इससे कट गया इससे कट गया दो पौने दस पांच धोने दस पाँचों बीस दो तो पॉइंट चार का जो बल है वो तो लगेगा मतलब इस गाड़ी को चालू रखने के लिए अपन को कितना बल लगाना पड़ेगा दो पॉइंट चार का बल लगाना पड़ेगा आ गया क्या सवाल मुश्किल तो नहीं था मुश्किल तो नहीं था आ गया इजी था इजी था इजी था सबको समझ सब हाँ, में आया चलो हाँ नोट्स में क्वेश्चन लिखना है है क्लासरूम बाद में में लिखना नोट्स पढ़ो एक नली पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दस सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है तो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ लो पहले आराम से फिर कराऊंगा एक नली पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दस सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें से हजार किलोग्राम पर वर्ग मीटर घनत्व का पानी पॉइंट फाइव किलोग्राम की स्पीड से दस मीटर की दर से दस मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है पाइप को स्थिर रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी भाई साहब सोचो कैसे करेंगे करो इस सवाल को इस सवाल को ट्राई करो मैं आपसे एक मिनट में मिलता हूं चलो देखें ओके करें सवाल एक नाली पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दस सेंट पहले बात को समझो कि अगर आपके पास एक पाइप है उस पाइप में से क्वेश्चन को समझो पहले उस पाइप में से अगर लगातार पानी बाहर निकल रहा है तो वो पाइप सांप की तरह नाचेगा ऐसे वो पाइप सांप की तरह नाचेगा तो सांप की तरह पानी में अगर पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है आपने पाइप को छोड़ दिया ऐसे लॉन के अंदर गार्डन के अंदर क्या होता है पाइप के साथ ऐसे ऐसे सांप की तरह नाचता है तो उसको हम कितने बल से पकड़े कि वो सांप की तरह ना नाचे वही हमें पता लगाना है तो शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पाइप है उसमें से निकलने वाला जो पानी है वो प्रति सेकंड कितना संवेग में परिवर्तन बना रहा है क्योंकि जितने इसका वो संवेग में परिवर्तन बना रहा है उससे बल निकल जाएगा और तो उतना ही बल हम लगा देंगे तो पाइप में से पानी जाएगा बट पाइप कहीं नहीं जाएगा ठीक है साफ शुरू करते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पानी अभी उपस्थित है यहाँ जो पानी अभी उपस्थित है एक सेकंड में यहां जो पानी के सारे के सारे कण हैं वो मुझे बताओ कितना आगे पहुंच जाएंगे एक सेकंड में या टी टाइम में बता दो टी टाइम में कितने पानी के कण जो हैं वो आगे पहुंच जाएंगे टी टाइम में अगर यहां से पानी बीस स्पीड से बाहर निकलता है तो यहां जितने भी कण हैं आराम से सवाल को समझना बड़ा मजेदार सवाल है मेरा तो बहुत फेवरेट है जैसे ये, ये पाइप है वापस बड़ा पाइप बनाता हूं यहाँ पर जो कण है सारे के सारे पानी के अगर पानी इस पाइप से वी स्पीड से बाहर निकल रहा है तो टी समय में ये सारे कण कहाँ पर होंगे टी समय में सारे कण कहाँ पे होंगे सोचो हाँ जी सुनिए ध्यान से ये जितने भी कण हैं ये सारे कण कहाँ पर है निकलने को तैयार है किस स्पीड से निकलने को वी स्पीड से तो टी समय में ये सारे के सारे कण कहाँ पहुंचेंगे मेरा इतना सवाल है आपसे टी सेकंड में ये पहुंचेंगे वी इंटू टी दूरी पर कहाँ पहुंचेंगे वी इंटू टी सही बात है मतलब इनके साथ साथ टी सेकंड में पानी का कितना सिलेंडर आगे पहुंच जाएगा भाई ये यहाँ पहुंचेगा तो इसके पीछे जितने भी कण हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे तो एक तरह से मैं आपसे ये भी सवाल पूछूँ कि टी समय में कितना पानी बाहर गया तो टी समय में जो पानी बाहर गया वो वो है जो इस छोटे से सिलेंडर में भरा होगा भाई यहाँ के सारे पानी के कण जब यहाँ पहुँचेंगे तो आप ऐसा मान लो कि पानी का एक सिलेंडर बाहर निकल गया तो जितना पानी का सिलेंडर बाहर गया उतना पानी एक सेकंड में बाहर जाएगा चलो अब पानी का आयतन कितना होता है अरे यार मैंने क्या कर दिया सवाल ही गायब कर दिया क्या सॉरी 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 रब ठीक है वापस समझना पड़ेगा ना गलती से मैंने सवाल को साफ कर दिया ठीक है कोई बात नहीं वापस समझ लेंगे देखो ध्यान सुनो कंसर समझो तुम बस कि ये पाइप है इस पाइप में यहाँ पर जितने पानी के कण हैं अगर पानी पाइप में से वी स्पीड से बाहर निकलता है तो ये सारे कण थोड़ी देर में वीटी डिस्टेंस पे होंगे तो कितना पानी बाहर निकला जितना इस सिलेंडर में है अगर अपन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए माने तो पानी का आयतन जो बाहर निकला वो होगा आयतन क्या होता है बेलन का गोल भाग का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई तो ए इंटू वी इंटू टी इतना आयतन पानी का बाहर निकलेगा ठीक है पानी का बाहर पानी का बाहर पानी का टी समय में बाहर निकलने वाला आयतन बाहर निकलने वाला आयतन इतना होगा बेटा कोई दिक्कत तो नहीं इतना आयतन होगा पानी का कितना द्रव्यमान बाहर निकल जाएगा द्रव्यमान क्या होता है घनत्व इंटू आयतन तो टी समय में कितना द्रव्यमान बाहर निकलेगा घनत्व कितना है मान लेते हैं पानी का घनत्व डी है तो आयतन कितना इतन है ए इंटू वी इंटू टी तो कितना द्रव्यमान बाहर निकल जाएगा ए वी टी डी इतना द्रव्यमान जो है वो बाहर निकल जाएगा इतना द्रव्यमान जो है बाहर निकल जाएगा संवेग में परिवर्तन कितना आएगा या संवेग कितना होगा वो देख लो संवेग कितना होगा संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग पानी का द्रव्यमान कितना है एवी डी टी वेग कितना है वापस से वी आ गया एवी स्क्वायर डी टी ऐसे ले सकते हो उसको एवी स्क् टी, टी. मतलब जो पानी अभी यहां पर था वो पानी जब यहां पहुंचेगा तो संवेग कितना होगा उसका ये होगा संवेग में परिवर्तन कितना हुआ सोचो क्योंकि बल जो होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय ठीक है तो टी समय में संवेग में परिवर्तन कितना हुआ अंतिम संवेग ए वी स्क्वायर टी डी प्रारंभिक संवेग जीरो क्योंकि अपन ये मान रहे हैं कि पानी अभी बाहर निकला ही शु... निकलना शुरू ही हुआ है तो पहले पानी पाइप में ही है अभी बाहर नहीं निकला तो स्टार्टिंग में जीरो अंत में कितना टी समय बाद इतना ये हो गया में परिवर्तन डिवाइड बाय समय कितना लगा टी तो टी से टी से कट जाएगा बल बराबर कितना आ गया सॉरी मैंने गलत जगह स्क्वायर लगा दिया था ना ए वी स्क्वायर टी डी डिवाइड बाई टी टी से टी कट जाएगा तो बल कितना आ रहा है ए वी स्क्वायर टी इसको अच्छे से याद रख लेना ये बल का फॉर्मला कितना निकल के आया है बल का फॉर्मला आया ए वी स्क्वायर टी टी कर लोगे सवाल तो अब तो दिक्कत ही नहीं है सवाल में सब कुछ दे रखा है आपको कितना बल चाहिए होगा हमें तो ए कितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बल दस सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये हो गया दस सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा ना दस सेंटीमीटर स्क्वायर है ये मैंने यहाँ पहले जो लिखा था वो आने लग गया वेरी गुड यही तो होता है भसड़ स्मार्ट बोर्ड में कभी कभी कोई बात नहीं समझ में आ गया ना कंसेप्ट बल बराबर कितना है बल है डेल्टा पी अपॉन टी सिंपल तो डेल्टा पी कितना है समझ में कितना हो रहा है ए वी स्क्वायर टी पी टी पी नहीं है डी है ठीक है डेंसिटी है डी वाई बाई टी कितना आ गया बल ए वी स्क्वायर डी इसको याद रख लेना बेटा है ना इसको लर्न कर लेना यही बल आपको निकालना था चलो पूछ लिया आपसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है दस सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर बदलने के लिए आपको दस की घात चार से उसको भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि तो दो सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है एक हजार किलोग्राम वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल हो गया तो क्षेत्रफल डी हो गया उसका एक हजार और वी कितना दे का है स्पीड है पॉइंट फाइव किलोग्राम पर सेकेंड तो पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव हो गया ये हो गया दस ये हो गया दस इस तरह से ठीक है सॉरी माई मिस्टेक एक छोटी सी गलती कर दी थी क्षेत्रफल तो बिल्कुल सही है दस ही लेंगे आप तो दस डिवाइड बाय दस की घात चार उसमें कोई दिक्कत नहीं है वेग ये वेग नहीं है बेटा वेग ये रहा दस मीटर पर सेकेंड ये तो कितना पानी बाहर आ रहा है वो बता रहा है हालांकि अपने काम भी नहीं आएगा तो इसका कोई यूज़ भी नहीं है ठीक है तो वेग कितना गलत ले लिया था आपने वेग है दस मीटर पर सेकेंड तो दस का स्क्वायर डेंसिटी कितनी है हजार चलो तो क्या बचेगा यार इससे ये गया तो तीन बचा इससे ये पूरा चला गया तो सौ न्यूटन आपका बल आ गया खत्म बल का मान इंपॉर्टेंट नहीं है बल का मान बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला आशीष सर के कैप्सूल में अच्छे से कहीं पे लिख के रख लो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया बेटा इसका कोई मतलब नहीं है इसका इसका यूज ही नहीं हुआ है ना ये तो ऐसे ही दे रखा है ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें सब कुछ तो दे रखा था उसने अगर हमें ए वी डी दे रखा है तो उससे निकाल लेंगे ना द्रव्यमान कितना बाहर जा रहा है उससे कोई खास मतलब नहीं है रिपीट कराऊं पाइप में से पानी निकलना शुरू हुआ वी स्पीड में पानी कहां पहुंच जाएगा यहां जितना भी पानी है वो यहां पहुंच जाएगा चार बराबर होता है दूरी बटा समय दूरी बराबर कितना होता है चार इंटू समय से ये सारा पानी यहां पहुंच गया अब यहां का सारा पानी जब यहां पहुंच गया तो अपने पीछे पीछे कितना पानी लेके आया इतना पानी लेके आया तो इतने आयतन में जितना भी पानी है वो पानी अपन को चाहिए क्योंकि उतना पानी बाहर निकला है तो कितना पानी बाहर निकला कितना आयतन आया तो आयतन आया ए इंटू वी इंटू टी तो उस आयतन में पानी कैसे निकालेंगे आयतन है पानी का घनत्व है तो पानी का द्रव्यमान आ जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग करेंगे तो पानी का संवेग आ जाएगा तो संवेग में परिवर्तन कैसे हुआ बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग संवेग में परिवर्तन आपके सामने आ गया संवेग में परिवर्तन को समय से भाग लगा दो बल आ जाएगा सिंपल कर दिया रिपीट बस कर दिया रिपीट बस चलो अब एक बढ़िया सवाल देता हूं आपको आपको एक बढ़िया कैप्सूल देता हूं आशीष सर का मान लो आपसे सवाल पूछ ले पाइप है इसका एरिया ए है इस पाइप में से वी स्पीड से पानी निकल रहा है पानी दीवार पे किस स्पीड से टकराएगा या पानी दीवार पे कितना बल लगाएगा स्पीड तो वही रहेगी पानी दीवार पे कितना बल लगाएगा अच्छे से याद रखना कि दीवार पे जो बल लगेगा ना उसका फॉर्मूला वही होगा जो अभी आप सीख के आए हो ए वी स्क्वायर डी क्योंकि संवेग में परिवर्तन की जो दर है पानी की उतना ही बल वो उसके ऊपर लगाएगा तो संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे इस पूरे डेरिवेशन से और सेम डेरिवेशन यहाँ काम आ जाएगा ये फॉर्मूला इस तरह के सवालों में भी काम आता है कि अगर एक पाइप में से पानी निकला तो पाइप दीवार के ऊपर जाकर के कितने बल से टकराएगा तो ये पानी इस दीवार के ऊपर जो बल लगाएगा उसका फॉर्मूला भी यही होने वाला है ठीक है चलो ठीक है बढ़िया अब एक सवाल और करते हैं अपन मस्त सवाल है ये भी एक क्वेश्चन ले लो छोटा सा इसी के साथ इसी से संबंधित सवाल है वो तो उसको अच्छे से करते हैं चलिए ध्यान से देखना यहां से पाइप में पानी आ रहा है V स्पीड से तो यहां पे आके पानी को मुड़ना है वापस से V स्पीड तो जो पाइप आ रहा है वो V स्पीड से आ रहा है और पाइप को वापस से मुड़ना है पानी को मुड़ना है पाइप के अंदर तो अगर पाइप के अंदर पानी को मुड़ना है समझना ध्यान से बहुत सा सवाल है ये बस मेरे से पाइप अच्छा नहीं बन रहा उस चीज को थोड़ा सा तो इग्नोर कर सकते हो और मैं इग्नोर नहीं करूंगा इसलिए मैं पाइप तो मैं अच्छा बना के दूंगा वाओ चलो तो यहाँ से पानी आ रहा है वी स्पीड से और उसको मुड़ करके वापस वी स्पीड से जाना है अब आपको पता है अगर वो वी स्पीड से चले तो उसके लिए तो बल नहीं चाहिए पर अगर पाइप के अंदर पाइप के, के अंदर पानी को घुमाना है तो तो बल लगाना पड़ेगा क्योंकि दिशा में चेंज कर रहे हो तो बल तो लगाना पड़ेगा बल कौन लगाएगा पाइप लगाएगा या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पानी पाइप के ऊपर कितना बल लगाएगा मुड़ने से पहले दोनों तरह से आप सवाल को देख सकते हो सेम ही बल आता है तो कैसे करेंगे इस सवाल को भाई पाइप जो है सवाल समझ में आ गया पानी जा रहा है पानी मुड़ रहा है तो मुड़ते वक्त ये जो वॉल है ये जो पाइप के ये वाला हिस्सा है आपको पता है इसके ऊपर पानी क्या लगाएगा बल लगाएगा तो हमें यही पता लगाना है कि यहां पर कितना बल लग रहा है अब ये मत बोलना ये बल इसके बराबर होगा नहीं घूमने वाली बात हो रही है यहां पूरे पानी को घूमना है तो बल निकालते हो थोड़ा समझदारी से काम करना चलो बताओ कैसे करेंगे बताओ साहब कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये तालियाँ बजेंगे इस सवाल के जवाब की बात बताइए सारी चीज एकांक समय के लिए कर लेते हैं बंद संवेग का फॉर्मुला तो पता है ना तुम्हें ये रहा बोले तो नहीं हो ठीक है क्या तुम मुझे प्रारंभिक संवेग बता सकते हो और क्या तुम मुझे अंतिम संवेग बता सकते हो काम बन जाएगा अब आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक्सिस है एक्स एक्सिस तो इसके लिए होगा आई कैब ये एक्सिस है माइनस वाई एक्सिस तो इसके लिए होगा माइनस का जे कैब तो प्रारंभिक संवेग है ए वी स्क्वायर टी डी ए वी स्क्वायर टी डी आई कैब अंतिम संवेग है ए वी स्क्वायर टी डी माइनस का जे कैप क्या मैं गलत बोल रहा हूं भाई आपको इतना समझ में आ गया कि बहते पानी का संवेग कैसे लिखते हैं ये ये आपको समझ में आ गया कि बहते हुए पानी का संवेग कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया संवेग के लिए क्या चाहिए कितना आयतन एक सेकंड में गया या कितना आयतन टी सेकंड में गया द्रव्यमान कितना जाएगा आयतन इंटू घनत्व द्रव्यमान आ गया द्रव्यमान को वेग से गुणा करो संवेग आ जाएगा तो टी सेकंड में संवेग कितना बह रहा है आपको आज गया समझ में तो यहां पर अपने देखा संवेग तो संवेग की दिशा क्या होगी भाई जो वेग की होती है आई कैप यहां संवेग की घूमने के बाद संवेग की दिशा क्या होगी माइनस का जी तो ये हो गया प्रारंभिक संवेग ये हो गया अंतिम संवेग ये हो गया प्रारंभिक संवेग ये हो गया अंतिम संवेग आया समझ में बोलो दोस्तों अब बल क्या होता है अब इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आई बाई टी लिखना हो अगर आपको इस टी को नीचे ले आओ इस टी को नीचे ले आओ तो ये एकांक समय में नहीं आ जाएगी बात ये बात तो एकांक समय के लिए आ गई ठीक है क्या होता है बल बल होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग डिवाइड बाय समय ठीक है साहब तो चलिए समय अंतराल के हिसाब से कर लेते हैं सॉल्व तो कितना आ रहा है ये आ रहा है आपके पास अब सॉल्व करो तो आएगा अंतिम कितना है ए वी स्क्वायर डी माइनस का जे कैप माइनस प्रारंभिक कितना है ए वी स्क्वायर डी आई कैप ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ कमेंट करके अब आंसर कितना आ रहा है हम्म हम्म तो एक काम करो ये आ गया माइनस का माइनस का ए वी स्क्वायर डी आप यहां से कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा जे कैप प्लस आई कैप खत्म ये बल का मान आ रहा है चेक कर लीजिए अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग सॉरी प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग तो प्रारंभिक संवेग किस तरफ है इस तरफ संवेग आपको पता ही अच्छे से इस तरफ है इधर है ना इधर कितना होगा एव स्क्वायर डी आई कैब इधर कितना हो गया जे कैब तो वेक्टर माइनस वेक्टर कर लो बस तो वेक्टर फॉर्म में माइनस करके दो सो दू यहाल्यू यहां से वैक्टर निकल करके आ गया आपके सामने और अगर आप बोलोगे सर मेरे को तो परिमाण ही चाहिए तो आपको पता है परिमाण कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का अब यहां पे आता हूं जैसे मान लो आपको एक वेक्टर दे रखा हो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैब प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैब कैसे निकालते हैं परिमाण ध्यान है कधे हो बिल्कुल ही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना तो यहां से इस बल का परिमाण कैसे निकालोगे अंडर रूट ऑफ जे के साथ में क्या लिखा हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा इसको ना एक स्टेप को अपने ज़्यादा एक्स्ट्रा जल्दी लिख दिया अपन चाहे तो सॉरी एक स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप बोलोगे तो एक स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस का ए वी स्क्वायर डी जे कैप माइनस का ही ए वी स्क्वायर डी आई कैप अब ठीक है बेटा चलो तो जे के साथ क्या लिखा हुआ है आई के साथ क्या लिखा हुआ है उसका स्क्वायर यही तो होता है आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर क्या लिखा है आई के साथ माइनस का ए वी स्क्वायर डी तो इसका स्क्वायर प्लस क्या लिखा है जे के साथ जे के पास साथ भी यही लिखा है माइनस का ए वी डी स्क्वायर का स्क्वायर अरे गंदी बात ए वी स्क्वायर डी का होल स्क्वायर दोनों चीज़ें सेम है और माइनस तो हट ही जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए वी स्क्वायर डी का होल स्क्वायर तो इस टू का हो जाएगा रूट टू तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट टू इन टू ए वी स्क्वायर डी तो ये बल का मान जो है वो निकल के आ गया केवल अगर वैल्यू की बात करें और यह बल का वैक्टर फॉर्म निकल करके आ गई खत्म समझ में आया बढ़िया अब अगली क्लास में अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और उससे संबंधित सवालों को देखेंगे हालांकि टारगेट तो मेरा आज का ही था कि हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को आज के दिन ही कवर करें पर ठीक है कोई बात नहीं समय के हिसाब से चीजें चलती हैं तो ठीक है अब एक सवाल तो घर के लिए करोगे और 90 डिग्री और वैसे एक बात और बतानी होनी चाहिए आपको अगर दो वेक्टर सेम है जैसे एक बल एफ है एक बल एफ है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो अंडर रूट टू एफ आता है तो आपने यहाँ पे शायद नोटिस नहीं किया इधर भी पी वैक्टर ही है इधर भी पी वैक्टर ही है दोनों एक दूसरे नब्बे डिग्री पे हैं तो वैसे भी रूट टू पी आना था तो किसी एक का रूट टू टाइम आएगा डायरेक्ट भी कर सकते हो कई चीज़ें हैं मिठाए ऐसे तो फिजिक्स में बट पहली क्लास है तो मैं इतना आपको घबराना नहीं चाहता हूँ आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ बस एक सवाल जो है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ बात खत्म तो चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाइए कहा और डीपीपी पी पी आपको मिली जाएगी बस ये सवाल तो मैं ऐसे ही होमवर्क में दे रहा हूँ कल मैं क्लास में करवाऊंगा इस सवाल को इसीलिए बाकी डीपीपी मिल जाएगी आपको हालांकि अभी तो स्टार्टिंग में डीपी में उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सवाल अभी थोड़ा थ्योरी तो थो चले आगे तो अभी तो उतना मज़ा नहीं आएगा बट आगे जरूर आएगा सवाल को ध्यान से सुनना सभी बच्चे कि मैं आपसे सवाल क्या पूछने जा रहा हूँ यह आपकी एक बॉल है यह आके टकराती है जमीन से और टकरा के इधर चली जाती है ठीक है जब यह आती है तो ये वी वेग से आती है इसका वेग कितना होता है आते वक्त वी वेग जाति भी विवेक से ही है चलो विवेक से आती है वी से चली जाती है एंगल की माता पच्ची थोड़ी और समझनी है तो इसमें सवाल में दे रखा है आपको ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा है ठीक है आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है वेक्टर फॉर्म के अंदर भी और आपको उसका परिमाण भी बताना है यह आपके लिए एक होमवर्क सवाल है और बॉल का द्रव्यमान मान लीजिए एम है ठीक है साहब जेई नीट का सपना देखना आसान है इसके रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल है पहली क्लास ये मत सोचना कि कम समझ में क्यों आई हो सकता आई हो क्योंकि नहीं पढ़ा हुआ है काफी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है बट खुद के साथ जूझोगे नहीं तब तक कुछ बनोगे कैसे जेई नीट अगर इतना ही आसान होता तो कोटा में हर साल दस लाख बच्चा दो लाख पांच लाख इतना बच्चा पहुंचता है सबके सभी सेलेक्ट हो जाते अब इतने आसान होता तो सब सेलेक्ट हो जाते पर कुछ तो ऐसा है ना इस एग्जाम में जो सेलेक्ट होने से रोक देता है वो है मेहनत ना करना कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत ना करना वैसे मैंने अपनी जान डाल के पढ़ाया आपको तो समझ में आपके हंड्रेड परसेंट आया होगा मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा आप सबका कि आपको कितना समझ में आया और इसकी डीपीपी भी आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको और भी मजा आएगा बट द पॉइंट इज आपको खुद के साथ जो मैंने आपको लिखवाया था ना हैश टैग जिद कर हैश टैग लिख के दो मुझे बताओ मुझे उसके पीछे कारण था कारण यही था जब शुरू होगा तो जोश इतना होना चाहिए कि फिर वो रुके ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट लेकर के आओ अपने अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन लेकर के आओ क्योंकि तो तुम्हारे अंदर अगर एनर्जी ऑफ रेस्ट आ गया तो बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वापस से तुम्हें चालू करने में और यही तो है गति का नियम है बिटाज पढ़ा ना अपने अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन लेके आओ ताकि बहुत मेहनत लगे तुम्हें रोकने के लिए और इतना ज्यादा इनर्शिया ऑफ मोशन अपने अंदर क्रिएट कर लो कि तुम्हें कोई रोक ही ना सके तो क्या लेके आना है खुद के अंदर एनर्जी ऑफ मोशन कमेंट करना आज कि सर मैं अपने अंदर इतना इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप कर लूंगा कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी ये कोटेशन मैं आपको आज दे रहा हूं कि आपके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होना चाहिए और बहुत भयंकर होना चाहिए जैसे इनर्शिया मास के समानुपाती होता है यहां इनर्शिया ऑफ मोशन आपकी जिद के समानुपाती है जितनी जिद होगी उतना इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा होगा उतना सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होगे बाय भाई जैन टेक के खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो आज याद रखना मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए इस क्लास के ऊपर कि आज की फर्स्ट क्लास में आपको कैसा लगा कायदे से ये क्लास वैसे टॉपिक वाइज फर्स्ट नहीं है बट हमारे कंटेंट के हिसाब से फर्स्ट है तो ये कैसी लगी क्लास ये कमेंट हर बच्चे को करना है आपके कमेंट का इंतजार रहेगा क्योंकि कमेंट से हमें प्यार मिलता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो आपके कमेंट से ही बढ़ता है ठीक है चलिए साहब बाकी मैं अपनी जान डालने के लिए तैयार हूँ आप लोग बस मेहनत करना बाय बाय टेक के खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो आपको आशा दो के जई आशा दो के नीट के बैच में इस क्लास के ठीक बाद में एक तो मैं डीपीपी भी दे दूंगा भाई तो ऐप में अपलोड होगी तब होगी वो तो भी हो जाएगी वैसे पर मैं आपको डीपीपी भी दे दूंगा वहीं पर ही और वहीं पर मैं आपको इसकी भी दे दूंगा। दोनों क्लास के ठीक बात तो अगर किसी बच्चे ने अपना बैस तो ज्वाइन कर लिया पर तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहां जाके देखना अंदर एक टेलीग्राम का ऑप्शन आता है वहां वो ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि तुरंत प्रभाव से सारी इन्फॉर्मेशन डीपीपी पीपीटी सब हम वहां शेयर करते हैं नमस्कार और अभी तक कोई बच्चा ऐसा जिसने बैच ही ज्वाइन नहीं किया तो कॉल करके जल्दी से अपना बैच ज्वाइन करो ये एजुकेशन हम लोग लेके देते हैं आपको पूरे साल पर बाय बाय नमस्कार